आलू ले लो, टमाटर ले लो। लोग मुझे कहते हैं गौ माता, टू टेक केयर कोई नहीं करता। कचरे के ढेर में जाना पड़ता है, प्लास्टिक की थैली में खाना पड़ता है। कचरा ये मेरे पीछे, बीमारियों ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं कचरे से परेशान। A few moments later. नहीं भैया मुझे मिक्स नहीं चाहिए, अलग अलग पॉलिथीन में डाल के दो और एक बड़ी सी पॉलिथीन में डाल के। मैडम ये थैली में आ जाएगा। नहीं भैया मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अलग अलग पॉलिथीन में डाल के दो और एक बड़ी सी पॉलिथीन में भी डाल के। मैडम जी जी थैली नहीं हमारे पास, आप अपनी गाड़ी की थैली में डाल दीजिए। रुको मैं अभी इंस्टाग्राम पे इंजेक्ट डालती हूँ, हमारा इंजेस्ट्रीन डाल। देखा आपने कि कैसे हम ऐसे जगहों पर अपने कपड़े के बैग ले जाने के बजाय प्लास्टिक के बैग मांगते हैं। और इसके दुष्प्रभाव, इसकी तो क्या ही बात की जाए। इससे हम इंसानों को तो परेशानी होती ही है और हमसे भी ज्यादा जानवरों को परेशानी होती है। मैं हूँ एक सीधी सादी गाय। लोग मुझे कहते हैं गौ माता, टू टेक केयर कोई नहीं करता। कचरे के ढेर में जाना पड़ता है, प्लास्टिक की थैली में खाना पड़ता है। गला मेरा चौक चौक तुम हो करते थे, फिर भी हो मुझको माँ माँ कहते। मेरी एक छोटी सी बिटिया थी, अब मालिक तो ज्यादा दूध पीने को देता नहीं था, तो एक दिन भूख के मारे कचरे के ढेर में जाकर न जाने क्या क्या खाने लगे। पता नहीं फिर कौन सी प्लास्टिक की थैली उसके गले में फंस गई और उसका गला चोक हो गया। दो दिन बाद बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। न जाने ऐसे कितने जीव जंतु जिन्हें आपकी, मेरी, हमारी, हम सबकी लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ता है। कचरा उधर से आया, कचरा इधर से आया, कचरे ने कर दी सड़के जाम। हाय कचरे से परेशान। कचरा ये तेरे पीछे, कचरा ये मेरे पीछे, बीमारियों ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं कचरे से परेशान। हम 150 ग्राम का फोन कैरी कर सकते हैं, 300 ग्राम का पावर बैंक कैरी कर सकते हैं, लेकिन 30 ग्राम के पेपर बैग कैरी करने में हमें ओवरलोड हो जाता है। हम सब ये सोचते हैं कि मेरे अकेले के पेपर के या कपड़े के बैग यूज करने से क्या फर्क पड़ेगा। मेरे अकेले के यूज करने से ना फर्क पड़े, आपकी यूज करने से ना फर्क पड़े, लेकिन हर एक एक के यूज करने से, आपकी यूज करने से, आपकी यूज करने से जरूर फर्क पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। अच्छा हम चलते हैं।